अक्सर ये परेशानी होती है कि मसाला मूंगफली बनाते समय इसके ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छे से नहीं आ रही है या क्रंची नहीं बन रही है मसाला मूंगफली। इसमें मैंने पूरे टिप्स और ट्रिक्स बताई है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए सुचिताज कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट रेसिपी डालूँ सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। सो टेस्टी और क्रंची मसाला मूंगफली बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पे बड़ी वाली मूंगफली का यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल हो उसका यूज़ कीजिए। अब इसमें नमक डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाट मसाला पाउडर, बेसन में ऐड करने के लिए थोड़ा सा बचा लेना है, हल्दी, काला नमक, एक पिंच हींग, प्याज पाउडर, लहसुन पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा बचा लेना है। अब इसमें 2 चम्मच पानी डाल के इन सारे मसालों की अच्छे से मूंगफली के ऊपर हमें कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि मूंगफली मसालों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। तो अब हम कोटिंग के लिए फ्लोर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में बेसन डाल दें, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डाल दे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमने मूंगफली में भी डाला था तो नमक जो है वो बैलेंस करके डालें। ये मिक्सचर अब रेडी है। मूंगफली को भी 10 मिनट हो चुके हैं, मूंगफली ने मसालों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। मूंगफली थोड़ी सी गीली भी हो सकती है मसालों की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था बेसन का, उसे 2 चम्मच डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। 2 चम्मच पानी, सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डालना है और इसे मिक्स करना है। फिर से 2 चम्मच फ्लोर डालना है और फिर से इसे मिक्स करना है। इसी प्रोसेस को हमें बार बार करना है, तब तक करनी है जब तक हमारा जो फ्लोर है, जो मिक्सचर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छे से परफेक्टली कोटिंग हो चुकी है। पानी जो है वो 2 चम्मच से ज़्यादा ना डालें, नहीं तो कोटिंग खराब हो सकती है। जैसे मैंने बताई है बिल्कुल वैसे ही कोटिंग कर लीजिए, परफेक्टली कोटिंग आपकी बन जाएगी। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए और इस तरीके से कलछी के ऊपर लेके एक साथ मूँगफली ऑयल में डाल दीजिए और डालने के तुरंत बाद इसे हमें मिक्स करना नहीं है या चलाना नहीं है। डालने के बाद 2 या 3 मिनट तक वेट करें, उसके बाद ही इसे चलाएं। अब इसे अच्छे से क्रंची होने तक हम फ्राई कर लेते हैं और गैस की फ्लेम जो है मीडियम से ज़्यादा ना करें, नहीं तो मूंगफली ऊपर से तो फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर कच्ची रह जाएगी, तो ये ध्यान रखें। अब इसे निकाल लीजिए, निकाल के इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट जार में भर के रख दीजिए और जब मन चाहे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। एकदम टेस्टी, क्रंची और बहुत ही बढ़िया मसाला मूंगफली तैयार है। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली इसके ऊपर मसाले की कोटिंग हो चुकी है, एकदम मार्केट जैसी बहुत ही क्रंची मसाला मूंगफली तैयार है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।